Hello students, in today's session we will be looking into the words which I used to take from the Hindu newspaper on a regular basis so that the students who are curious to learn some new words every day and the people who there are some people who always learns new word, and in order to help those guys I am preparing this video and it will definitely help you out. So without wasting any time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is flippancy. It means lack of respect or seriousness, frivolousness. Means आप कोई भी काम कर रहे हो, आप serious नहीं हो, आप ऐसे ही नज़रअंदाज करके means lightly काम कर रहे हो. For example, she was infuriated by his careless flippancy. उसको ऐसा लगता था कि जो बंदा है वो उसका एकदम रिस्पेक्ट नहीं करता था और सीरियस नहीं है. सिनोनिम्स है फ्रिवोलसनेस, लेविटी, सुपरफिशियलिटी, शैलोनेस. एंटोनिम्स है प्रीमिनेंस, अर्नेस्टनेस, कर्टेसी. नेक्स्ट वर्ड इज हर्क्यूलियन. इट मीन्स रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट. मीन्स बहुत ही ज़्यादा जिसमें मेहनत लगे कोई भी चीज़ जो करने में. अ हर्क्यूलियन टास्क मीन्स ये जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा एफर्ट वाला काम है. मीन्स इसे बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा तो ही ये काम हो पाएगा. सिनोनिम्स है आर्डुअस, ग्रुएलिंग, लेबोरियस, बैक ब्रेकिंग, वंडरस, स्ट्रेनुअस, डिफिकल्ट. एंटोनिम्स है ईजी. नेक्स्ट वर्ड इज एनोडाइन. इट मीन्स नॉट लाइकली टू कॉज ऑफेंस और डिसएग्रीमेंट एंड सम वॉट डल. मीन्स ऐसी बातें जिससे कोई भी आपका डिसएग्रीमेंट नहीं होगा. मीन्स थोड़ी सी जो बोरिंग सी बातें होती है जिसमें मसालेदार बातें नहीं है, मीन्स नॉर्मल बात. फॉर एग्जाम्पल एनोडाइन म्यूज़िक. मीन्स जो म्यूज़िक है बहुत ही सूदिंग है. मीन्स वो आप उसको सुनोगे तो कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी वाला बात नहीं है, वो आपको नॉर्मल बोरिंग सा गाना है. सिनोनिम्स हैं इनऑफेंसिव, इनोकुअस, न्यूट्रल, अनऑब्जेक्शनेबल. एंटोनिम्स हैं पेनफुल, बैनफुल, डेट्रीमेंटल. नेक्स्ट वर्ड इज प्यूट्रीफाई. इट मीन्स डिके और रोट एंड प्रोड्यूस अ फेटिड स्मेल. मीन्स कोई भी चीज़ जब सड़ने लगता है दैट इज़ कॉल्ड प्यूट्रीफाई, और जो स्मेल आती है. फॉर एग्जाम्पल द बॉडी वॉज बिगिनिंग टू प्यूट्रीफाई. मीन्स जो बॉडी है मीन्स वो सड़ने लगा है तो उसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही है. तो सिनोनिम्स हैं डिके, रॉट, डिकम्पोज, पेरिश, स्पॉइल, डेट्रिक्टिएट, फेस्टर. एंटोनिम्स हैं गार्नर, क्लींस. नेक्स्ट वर्ड इज रिटेरेट. इट मीन्स से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी. मीन्स कोई भी चीज़ बार बार बोलना ताकि क्लैरिफाई हो जाए कोई भी चीज़. सिनोनिम्स हैं रिपीट, से अगेन, रीस्टेट, रीटेल, रिकैप्टुलेट. एंटोनिम्स हैं सीक्रेट, रिसेंट, इलैप्स. फॉर एग्जाम्पल शी रिटेरेटेड दैट द गवर्नमेंट वुड रिमेन स्टेडफास्ट इन इट्स सपोर्ट. उस वो बार बार बोलती रह गई कि और बार बार यही बोल रही थी कि हाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी. नेक्स्ट वर्ड इज slander. It means the action or crime of making a false spoken statement damaging to a person's reputation. Means कोई भी गलत बात जिससे किसी इंसान का reputation ख़राब होता हो. For example, he is suing the TV company for slander. वो TV की जो company है उसको law by law उस पर sue कर रहा है क्योंकि उन लोगों ने कुछ उसके बारे में detrimental कुछ बातें बोली होंगी जिससे उसका जो reputation है ख़राब हो रहा है. सिनोनिम्स हैं बेसमर्च, टार्निश, टेंट, मिसरिप्रेजेंट. एंटोनिम्स हैं ऑनर, प्रेज, फ्लैटरी. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल बी बैक विद सम मोर वर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.